लगता है कि बज रहे हैं 4 और मैंने अभी तक 2 मैंगो खाए हैं। क्विन ईटिंग वो भी बहुत सारे मैं अंदर आ गई थी ठंड लगी थी। मॉर्निंग पीपल, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इतनी प्यारी प्यारी मॉर्निंग है और मैं मोटू पी रहे चाय चाय चाय। मम्मी अपना कुछ काम कर रही है, भाभी से झाड़ू लगा रही है, मैं लड़का ये ब्लॉक की इज्जत बचाने के लिए मेरे को आना पड़ा। अब एक सिप मैं लूंगा, एक सिप अंकिता लेगी और ये शॉर्ट क्लोज। हमारी बिना पाली भी पली भी कुत्ती ये पता नहीं किसको अभी किस पे गुर्रा रही है। ये उन दो कुत्तों को पीछे है, वो दो कुत्ते उधर गए भाग के इधर के मारे। अपने एरिया में किसी को नहीं आने देने था, अंदर निकला आगे बढ़ते चलो, मुड़ के मत देखना। वो तो है राज, इसका पुत्र, ये बहू सिमरन। बहू को ज्यादा नहीं भेजा इसने आगे, तीनों अब उबट्टे कितने सो रहे, लड़ाई होगी क्या अब? अभी माहौल बना नहीं है ढंग से, है ना, ढंग से माहौल बना नहीं पाए ये लोग, अभी नए हैं लड़ने में। अभी अभी हम लाइव शूट कर रहे हैं, जंग होने वाली है पार्ट 3, वॉर होने वाला है, लाइव गैंग वॉर आप लोग के दिखाएंगे। संवाददाता अंकिता सिंह चौधरी के साथ कैमरामैन अभिनव सिंह चौधरी। ये देखिए ये है काली, ये काली का बेटा, काली की बहू, काली का जवाई, काली का जवाई भी आया हुआ है। और ये बाहर के जो मुठभेड़ वो घुसपैठिया है उनके, उनको उनको और क्या ज्यादा नहीं नहीं नहीं, नहीं। बेटा उधर अलग ही खड़ा है, पीछे छुप के तारों के उस तरफ गया हुआ है डर के। बाकी सब लड़ रहे हैं, वो देखो उस तरफ खड़ा ना, वो बेटा डर के खड़ा हुआ है और ये बाकी सब पूरा परिवार लड़ रहा है। पर ये ज्यादा है तो वो तीन ही है, इनका तो पूरा खानदान लड़ रहा है। बेटियों ने लगता है सुलह कर ली है, पूंछ हिलाई जा रही है। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स यू ब्रो, नथिंग मोर, जस्ट फ्रेंड्स, नथिंग नथिंग पर्सनल ब्रो। अब हमारा न्यूज रिपोर्टर कब जाएगा? बर्तन धो रहा है। संवाददाता की ड्यूटी पूरी हुई और वो कैमरामैन धो के लाएंगे। कितना प्यारा मजाक कर, कितना प्यारा मजाक करता है कैमरामैन और वो संवाददाता, पति पत्नी निकले तो संवाददाता ही धो रहा है। यार कैमरामैन की ज्यादा चलती है, संवाददाता की लगी पड़ी है। मम्मी का ढूंढ के लाता है, मम्मी क्या कर रही है। ये है हमारा बाड़ा और इसमें लगा हुआ है एक अनार का पेड़, जिसको कुतर कुतर के एक भी साबित नहीं छोड़ रखा है जानवरों ने, एक सिंगल भी, सब कुतर रखे ऐसे ही, ये देखो खाली कर रखे है। मम्मी ने कपड़े धोए हैं भाई, पॉप्सी के यानी मेरे पापा के। अभी दूध निकाल लिया मम्मी ने भैंस का, मेरे उठने से पहले उसको दूध को बिलो लिया और घी निकाल दिया और भैंसों को चरा दिया, तो हो सकता है मैं शाम का रूटीन शूट कर पाऊँ। अब मालसी भाभी डार्लिंग ये कर रही है सफाई, सुबह सुबह जम के कतई जोर लगा रखा है। जो फराटा लग रहा है ना, ये कल रात को वहाँ उस वाले वो गेस्ट रूम के गेट के बाहर लग रहा था और रेयान लाइन से चार चार पाई लगी हुई थी, सबसे पहले मोटो की, फिर मेरी, फिर मम्मी की, फिर पापा की। तो ये जो लड़का है ना मोटा, ये जो साइड करवट लेके सो रहा था ना, किसी को आवाज नहीं लग रही थी। फिर जब मोटे ने सीधा सोया उसके बाद हम तीनों ने ऐसे किया सोएंगे। लड़का यहाँ बैठा है और हाइट के काम मेरी मम्मी बेचारी कुर्सी पे चढ़ चढ़ के कर रही है। मम्मी तुड़ा लियो की दोनों जनी, अभिनव जी खड़े हो जाओ, दे करो दे हेल्प। भाई जी अपना फर्ज निभाने जा रहे हैं, बिलगनी मतलब तार बांधेंगे रस्सी, चलाओ छाछ। छोड़ोगे तो गाड़ी और फूटेगी साथ में। मारे यही चल रहे तो
ना तो ये मैं नहीं देख रही क्योंकि मेरी बात याद कुन आ रही बस तो टाइट करा वोटू बोले ज्यादा उच्ची कुन गया अरे अरे नहीं तूने एक्स्ट्रा 500 की जुआरी अर्न कर ली है वो तो आंकड़ी गालने पे मिलेगा एक्स्ट्रा लड़का नहा के आ चुका है और पसीने में वापस भर रहा है सो गाइस नहा धो के बढ़िया एकदम टनाटन रेडी होके कौन चल रहा था मेरी जान सॉरी तो टाइम रेडी होके मोटू कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय किस्मत चूरमा और न्यूज ये है कि हम लोग जा रहे हैं मेरी एक और ननद के घर आज मिलने उनसे टीना दीदी वो मेरे मामा ससुर की बेटी है यानी मेरी तो ननद ही लगी ना मोटू की कजन सिस्टर वो उनका घर यानी उनका ससुराल मेरे यहाँ के ससुराल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो उनकी सास अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हुई थी तो उनसे मिल के आएंगे और इट विल बी फन ब्लॉग आज बहू कर रही है भाई खाने की तैयारी क्या बन रहा है मम्मी लौकी एंड करेले की सब्जी वो जवाई जी कहने वाले खेत किधर है सासुमा मैं खुद चर के आ जाऊंगा मोटर के चल रहे ऑफिस और मोटर के ऑफिस में काम और बढ़िया हवा चल रही है फर्स्ट क्लास बादल तो हो रहे हैं लगता है बारिश आएगी ये दोनों सास बहू बना रही हैं खाना 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 दोनों गैस पे दो दो सब्जियां चढ़ी हुई है अभिनव जी पूछ रहे क्या बन रहा है खाने में मैं कहा दो दो सब्जियां बोले एक तो घास और दूसरी मैं कहा दूसरी फूस करेले की सब्जी मीटर से नाप रहे हैं हम लोग घर पे ला रखे जो मेरी 98 आई मम्मी की 99 दीक्षा की 99 तेज और की भाई दोनों सासू मोटू का नाप क्या लिए मोटू लो ऑक्सीजन लेवल चेक करें आपका कैसे हो आपके हाथे बंदी हो गए 98 ओ हाथ की मेरी 98 इन दोनों की 99 हार्ट रेट नहीं ऑक्सीजन लेवल है दोपहर के बजे हैं 3:30 मैं अकेली बैठी हूँ बाहर क्योंकि बाहर मौसम एकदम मस्त हो रहा है और ये देखो मैंने मेहंदी बनाई सब सो रहे हैं और मैं खुद की मेहंदी बना रही हूँ सो के पेट भर के आया आज 4 घंटे सो लिए कितने घंटे सोए शायद 3-3.5 घंटे सो गया मेहंदी तुम्हारे कातिल जिंदा है 9 महीने की थी तब मैं पैदल चलना सीखी थी और जब मैं 10 महीने की थी पेट में नहीं मारा निकला जब 10 महीने की थी तो मेरे बड़े वाले मामा जी का लड़का हुआ था छोटा 10 महीने छोटा है मेरे बड़े वाले मामा जी का तो मैं उसको बुलाती थी सब मुझसे पूछते थे वाले क्या है कौन है तो मैं कहती थी काकू उसको बाबू बच्चा कुछ नहीं बोलती काकू बोलती थी काकू कितना क्यूट नाम है अपने बेबी का काकू नाम रख सकते हैं ना नहीं मैं उसको काकू बोलती थी नहीं और जब मैं 9 महीने का था तब तक मैं बैठने नहीं लगा था मैं बेबी जब था मैं बहुत मोटा था मैं मतलब मेरे को बिठा देते थे ना तो मैं लुढ़क जाता था और मैं जब 1 साल का हुआ तब तक मैं मतलब फिर बैठने लग गया था 9 महीने का फिर 1 साल का होते होते तो फिर मैं दौड़ने ही लग गया था फिर मतलब बढ़िया जल्दी मैंने ग्रोथ कर ली पर एक बार बैठने में बहुत दिक्कत आई थी मेरे को और तब मैं क्या बोलता था किसको मेरे को याद नहीं ना मेरे घर वालों ने कभी बताया मेरे को तो कल मम्मी बताती है आपका नाम लिख रही है जाना हो गया कैंसिल क्योंकि वो खुद जो हमारे मेजबान हैं कोई मेहमानों को रिसीव करने के लिए घर पे नहीं है उनको लेट हो गया वो लोग कहीं गए हुए थे इसलिए वो कैंसिल हो गया और उनके चक्कर में मैंने मेहंदी भी धोली जो रेड रेडी हुई अभी कैसे हो गई मेरी मेहंदी काली है किसी के पास जवाब मेरी मम्मी निकाल जा रही है भैंस का दूध और भैंस का दूध निकालते वक्त मैं शूट कर दिया या मेरे नाक पे मक्खी लगने लगी तो बहुत ही गंदा लगता है निशान ये है हमारे प्यारे प्यारे खेत और मम्मी ने शायद दूध निकाल भी लिया ये चली हमारी मम्मी दूध निकालने भैंस का पापा चले असिस्टेंट बन के है ना पापा आई एम नॉट दैट लेट पहले इनसे कन्वर्सेशन करते ही मुझे दूध दे देना प्लीज़ ये मिलाएगी इनको बाटा यानी इनके लिए इनका टेस्टी खाना यही है दिन का हेलो
ये भाई है ना हाथ खाए कर रहा, ये मेरे को देख देख के मारने को हो रही है। उत्ती मम्मी क्यों लाडली हो रही है मम्मी के। नहीं नहीं यो के लाडो यो, ये पापा की लाडी है। दूध निकालने के लिए इनको पैंपर करना पड़ता है, पापा खुजली करते इसके। ये मम्मी इसके अंडर को वॉश कर रही है और इससे थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सेंसेशन जा रहा है तो मिल्क लेट डाउन हो जाएगा। इसको बोलते हैं हमारे उन्हें पावसना। कभी आया देखने दूध निकालना, मैं शूट कर लिया। निकाला ऐसे भागो मत, हाथ दो धीरे से पास जाओ। भाग रहा हूं वो भाग के। नहीं आप धीरे से पास जाके सिर्फ हाथ लेके खड़े हो फिर आएगी। शी स्मेल्स योर हैंड, चाटने देना इसको, खाएगी नहीं खाती नहीं है, नीचे करो। अपने पैर की पहचान करती है ये। हाथ दो इसको, इसको जीभ जीभ रगड़ने दो हाथ पे। इतना नहीं करने दो, इतनी दोस्ती अच्छी नहीं पहले। ये तुमसे दोस्ती नहीं करेगी। राहुल में वो क्या नाम था, अंजलि इंटरेस्टेड नहीं है। इन मैडम की तो खींचे बहुत सारी फोटो, और मम्मी की भी खींची है, सास बहू की खींची है। ये है बाला, ये व्लॉग में आएगी, ये मेरी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर है। ये पॉप सिंह दम लगा है। अरे डरूं की, अरे डरूं मम्मी डराओ इवन। ये है स्पेशल स्टाइल घास बांधने का, ये देखो कहीं नहीं खुल के जाएगा। ये बात, ये हमारी दमदार मम्मी। इस लड़के के पैरों के नाखून देखो, छी कितने गंदे नाखून हो रहे हैं। मेरी मम्मी ने कहा मैं काटूंगी ये नाखून, तो देख लो मम्मी से कटाने मेरे से। ये शाम की चाय, ये गेम खेला लड़का, मम्मी चाय पी रही, ये पॉप्सी चाय पी रहे। भी छोड़ा है अपने फोन के लगी हुई थी ये पड़ा, और इधर सास इधर जवाई दोनों बैक टू बैक, और एक बेचारी सीधी सादी बहू है और एक सीधी सादी बेटी है, दोनों बात करने के लिए तरस रहे, कोई बात नहीं कर रहा। हद हो गई, पापा गए मेरे, क्या हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। मम्मी कतई ब्लॉगर हो रही है। दीक्षा क्या इलाज किया जाए तुम्हारे सास का, छोड़ दिया जाए, ले जाऊंगी मैं साथ में। ये जो लड़का है ना, इसने लिए सारी बातों के आनंद, चुपचाप बैठ के इधर साइड में सबके बातों के आनंद लेता है लड़का। क्या है फोन, फोन लो दे, पूरे दिन फोन नहीं चलाते, आंखें खराब होती है, आंखें खराब होती है मम्मी। हाँ सरेंडर शाम बड़ी मस्त हो रही है।